हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। सुबह के और हैं 8:40 और पहाड़ों में बहुत प्यारी सी धूप लगी हुई है, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ में और मेरी एनर्जी में थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा होगा, तो आवाज़ आपको पूरी ख़राब आ रही होगी और ऐसा लग रहा होगा मेरा पूरा शक्ल पूरी उतरी हुई है। तो ऐसा पता क्यों हो रहा है? तो मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया, 2 दिन हो गए। परसों शाम से मेरे को बुखार आ गया तेज वाला, और इतना ज़्यादा जुकाम लगा हुआ ना, बिल्कुल ही बोलने की ताकत नहीं है, आँखें बंद हो रही हैं पूरी। तो सामने से धूप पड़ रही है, इस वजह से आँखें बंद हो रही है, और वैसे भी क्योंकि स्वास्थ्य पूरा ख़राब हो गया है। तो कल तो पूरा दिन पता है रेस्ट किया था, बिल्कुल ही ब्लॉग करने का मन आज भी नहीं था, बट आप लोगों से कनेक्टिविटी टूट जाती है, डेली ब्लॉग नहीं हो पाता, इसलिए फिर से मैंने कैमरा उठाया और कोशिश करते हैं ब्लॉग करने का, जितना भी हो पाएगा शूट करूँगा मैं। यहाँ से इतनी प्यारी सी धूप आई हुई है और आसमान देख लो पूरा क्लीन है, आपको बिल्कुल भी बादल देखने को नहीं मिलेंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे खेत में, क्योंकि हमारी खेत की जो फसल है पूरी तैयार हो गई है, तो आज हम लोगों ने खेत में लगाना है हल, तो आज हम पहले दिन लगाएंगे। अभी मम्मी और पापा भी आएंगे, तो मम्मी और पापा भी खाना खा रहे हैं, मेरा तो बिल्कुल भी खाना खाने का मन भी नहीं था, तो मैंने खाना भी नहीं खाया, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, सच बताऊँ तो मैं कुछ मन नहीं कर रहा, बिल्कुल पानी पीने का मन कर रहा बस, हो गया। तो अभी आधे घंटे धूप पे रहते हैं, उसके बाद फिर पापा लोग आ जाएंगे, उसके बाद चलेंगे खेत पे। और यहाँ पे कीड़ा देखो आवाज़ कर रहा है ऐसे ऐसे करके। गुड मॉर्निंग पाठी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारी छोटी सी पाठी घास खा रही है, और इसकी मम्मी ये है। इनको हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि घर पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो इनको ठंडा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इनको सुबह सुबह यहाँ पे बांध देते हैं। आज हम लोगों ने इस वाले खेत पे हल लगाना है, नीचे वाले खेत पे और इस वाले खेत पे, तो दादा लोगों ने हल पहले लगा दिया, बस हम लोगों ने लगाना बचा है। तो यहाँ से पूरा ऊपर जाएंगे, पूरे अपने खेत हैं, तो अपना घर यहाँ पे, जो आपको हल्का हल्का वाइट वाइट दिख रहा होगा, यहाँ पे अपना घर है, वहाँ से नीचे पूरे खेत हैं, इन सारे खेतों पर हल लगाना है। और यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, तो ये वाला खेत है योगी का, ये वाला भी, नीचे वाला भी, ये वाला अपना खेत है। और इस वाले खेत पर हम लोगों ने मिर्ची लगाई हुई है, तो मिर्ची भी पूरी पक्के तैयार हो गई है, उसको भी तोड़ना है, जिस दिन हम लोग को समय होगा उस दिन मिर्ची भी तोड़ेंगे। और मेरे से पता ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एक सीन शूट करने में मेरे को 10-10, 15-15 बार शूट करना पड़ रहा है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तो हर बार गलत 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 हो जा रहा है। कोशिश करते हैं ब्लॉग करने का जैसे भी हो पाएगा। हमारी गाय की बच्चियाँ, इसके मज़े आ गए, इन दोनों को काम करना पड़ेगा, ये घूमेगी इधर से उधर उधर से उधर। मम्मी भी खेत पर आ गई है और पापा तैयारी कर रहे हैं हल लगाने की, तो अभी इन दोनों के कंधे पर रखेंगे जू, जिनसे इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, उसका ये रहा अपना हल, तो इसको कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। होशियार भैया शाबाश, जोर से मारो, अरे मेरी ना मारना अल्लाह। तो बड़े चाचा और होशियार भैया कर रहे हैं अभी गहत की मड़ाई, तो इसकी बनेगी गहत वाली दाल, तो इस तरीके से मड़ाई होती है। सोयाबीन की मड़ाई भी इसी तरीके से होती है, बिल्कुल सैल से मारते हैं, जो डंडे आपको दिख रहे होंगे इनको बोलते हैं सैल, इनसे मारते हैं। क्या गिर गया अल्लाह, थक गए? स्कूल से आते ही काम चालू, ड्रेस चेंज ना की मम्मी घर से बाहर गई है, तो होशियार भैया को मम्मी का काम करना पड़ रहा है। वेरी गुड होशियार भैया, कैसा लग रहा है, कैसा फील है, कर रहे हो? दो चोट ना भाई, बस की ना, ना बस की ना भाई, इतना तगड़ा बुखार आ रखा है भाई, बस की ना, मेरी खड़े होने की ताकत नहीं है यार, मेरे को भी बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया। तो ये है गहत वाली दाल, ये देख लो भाई, अभी इसको साफ करेंगे। चाचा जी कब से काम कर रहे हो, कितना टाइम हो गया? इसको हो गया 2 घंटा। 2 घंटे से मड़ाई चल रही है नॉन स्टॉप चले हैं हम। काम कितने दिन का बचा, हो गया खत्म या बचा अभी मड़ाई वाला? अब हो गया आज लास्ट है। मड़ाई वाला लास्ट दिन आज है। तो बढ़िया, जो भी कूड़ा कबाड़ होता है उसको साइड कर देते हैं, इसको खिलाएंगे जानवरों को, तो इसको साइड कर दिया। बाकी जो ये बचा हुआ ना, इसमें से भी साफ करेंगे पंखे से, तो फिर दाल निकलेगी। ये देख लो भाई, इसमें पूरे दाने मिलेंगे, पर नीचे नीचे दाने हैं। होशियार भैया तुम क्या करोगे, आप कुछ करोगे? भैंसों को लाने। वेरी गुड, अभी मैं जा रहा हूँ अपनी धार में, तो मैंने टोपी भी डाल ली है और साथ में हुड भी डाल ली है। तो भाई साहब मेरी हालत जो ख़राब हो रही है ना, हद से भी ज़्यादा। सुबह मैं गया था खेत पे, आप लोगों को पता है, तो खेत पे जैसे गया, पापा ने हल लगाना स्टार्ट किया, मेरा सर जो घूमा ना, इतना ज़्यादा सर घूम रहा था, वहीं पे खेत पे सो गया मैं, आधे घंटे में सो रहा था, उसके बाद फिर उठा, फिर सीधे घर आया, फिर घर जाके रेस्ट करता, और जस्ट अभी जाके उठ रहा हूँ मैं। तो भाई साहब पूरी हालत ख़राब हो रखी है, अभी पता शाम के कितने हो रहे हैं, शाम के 4:02 और अब जाके मैं उठ रहा हूँ, तो मेरी हालत का आप अनुमान लगा सकते हो किस तरीके से होके करके, पूरी हालत ख़राब होगी भाई, पूरी बोलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मैं पता ज़बरदस्ती का ब्लॉक कर रहा हूँ, मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है, तो बस आप लोगों से कनेक्टिविटी ना टूटे इसलिए मैं ज़बरदस्ती का ब्लॉक कर रहा हूँ, बट मेरे बिल्कुल भी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देख लो भाई, ये लगा रखा है लूट, तो सोयाबीन का जो भी पीछे कूड़ा कबाड़ होता है उसको इस तरीके से इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जानवरों को खिलाएंगे, तो इस तरीके से हम लोग इकट्ठा कर देते हैं।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 4 नवंबर और आज पता है क्या, आज है बुड्ढी दीपावली। तो आप सभी लोगों को बुड्ढी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। तो इसको हम लोग बैलों के त्यौहार के नाम से भी जानते हैं कुमाऊं पे, तो इसको हम बैलों का त्यौहार बोलते हैं। तो ये पता कब होता है, दीपावली के जस्ट 10 दिन के बाद। तो अभी हम लोग रोड पर आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अपने बैल बांधे हुए थे। तो बैलों को आज क्या करते हैं, खिचड़ी देते हैं और इनके सींगों पे फूलों की माला लगा देते हैं। बट हम लोग तो इस बार त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे नहीं, बस इनको खिचड़ी दे दी हम लोगों ने। तो ये देख लो, इसको खिचड़ी दी हुई है और इसको भी दी हुई है और साथ में हमने बच्चिया को भी दे दी। बाकी योगी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? अरे वेरी गुड, खाना खा लिया? अच्छा, आइसक्रीम की छुट्टी है? किस चीज़ की? इस चीज़ की बताओ। आज बैलों का त्यौहार है। अच्छा, बैलों का त्यौहार है आज, तो तुम्हारी स्कूल की छुट्टी होगी, देखिए मजे आ गए। वाह, तो ये तुमने खिचड़ी दे दी? अभी दोगे? अच्छा, वेरी गुड। मैंने माला भी बनाई है। अच्छा, आपने माला बनाई है? बहुत बढ़िया। कितनी माला बनाई है आपने? एक माला बनाई है। आपने दो डिग्गू ने, एक योगी ने। किस किस के लिए बनाई है? मैंने तो बच्ची के लिए। अच्छा, और आपने बैलों के लिए? वेरी गुड। तो डिग्गू ने माला बनाई है और योगी ने बनाई है, बट मैंने नहीं बनाई है। कि देख लो भाई, मस्त तरीके खा रहा खिचड़ी, पर गरम गरम हो रही है ना, मज़े आ रहे हैं बाबा। आज खेत में से काम भी नहीं करना पड़ेगा, मज़े हैं क्योंकि इनका त्यौहार है ना आज पहलों का, मज़े हैं इनके। इसको भी खाने को मिल रही है, वो वहाँ पर खा रही है अलग से, सबसे अलग। बाकी योगी यहाँ पर खेलने में लगे पड़े और यहाँ पर योगी की सारी बकरियाँ हैं, देख लो भाई सारी बकरियाँ। और छोटी सी बच्ची बकरी की जो मैंने आपको पहले ब्लॉग पे दिखाई हुई है, वो वहाँ पे गई हुई है, वो वहाँ पे देख लो। और बाकी योगी लोगों के बैल यहाँ पे हैं, अभी इनको भी खिचड़ी खाने को मिलेगी। गुड मॉर्निंग पैठी, ओए पैठी, गुड मॉर्निंग, क्यूट सी पैठी, छोटी सी। योगी ने गोद में उठा लिया इसको, इसकी मम्मी ये वाली है। तुमने इसको उठा लिया? कितना वजन है इसमें? 3 किलो। बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं, तो अभी क्या करते हैं, आराम से धूप में बैठे रहते हैं और यहीं पे हम लोग खेलेंगे। क्योंकि पता है घर पे तो धूप आती नहीं है, घर पे होता है ठंडा, तो अभी हम लोग यहीं रहेंगे। और सुबह के अभी हो रहे हैं 10:02, तो अभी अपना खाना भी कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। योगी, आपने माला पहना दी? तो योगी ने बताया माला पहना दी, ये देख लो बच्चिया गले में फूलों की माला बनाई है इतनी प्यारी सी, और खिचड़ी खा रहे बैल भी, और उसको बांध दी माला, तो माला भी पहना दी और खिचड़ी भी दे दी। वेरी गुड। होशिया भैया अभी तक कहाँ थे? अभी तक कहाँ थे? रीटा साहिब। तो होशियार भैया रीटा साहिब से आगे भाई साहब, सुबह से पैदल। तुम क्या खा रहे हो? पान चबा रहे हो? गुटका पान? पान खा रहे हो? पान बनारस वाला? बनारस नहीं, बनारस। बनारस वो मेरा जुकाम लगा ना, खिचड़ी भी नहीं खाया, ये नाराज हो गया। खिचड़ी में क्या मिला था? गर्म हो गई ना, गर्म हो गई है भाई साहब। इसकी स्पीड देखो, इतनी तेजी खा दिया पूरा, ये पूरा एंड करने वाला। यहाँ पे दो भी हैं पर वहाँ पे एक ही था। आओ थोड़ा शेयर करो, तुम भी बैठो इधर पे, अरे बैठो ना, चलो इसके साथ इधर तो आओ, योगी इधर आओ, इसके साथ शेयर करो, इनको भी खिलाओ। तो अभी आ गया हूँ मैं रूम में और पूरी शाम हो गई है। अब क्या करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पहाड़ी प्रकाश गोस्वामी पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।